अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरेज पावर और SQRT यानी कि स्क्वायर रूट का फंक्शन ये हम आज करेंगे। एक्सेल 2007 पर हम काम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। अच्छा, पहले है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम नंबर्स की एवरेज निकालना होता है, ठीक है, यानी उसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल होता है। यानी कि फ़र्ज करें एक क्रिकेटर है, ठीक है, बैट्समैन है, उसने 5 मैच खेले हैं, 5 मैचों में उसने मुख्तलिफ स्कोर किए हैं, ठीक है, एक मैच में 0 कर दिया, एक में सेंचुरी कर दी, बाकी 3 में भी इस तरह उसने कुछ स्कोर कर दिए, ठीक है। अब हम ये देखना अगर चाहें कि ये हर मैच में कितना स्कोर कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को एवरेज कहेंगे। तो उसके 5 मैचेस को हम प्लस करेंगे, 5 मैचेस के स्कोर्स को, और फिर डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एवरेज या अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पर मैच ये प्लेयर इतना स्कोर कर रहा है, ठीक है। यही काम करने के लिए हम एवरेज का फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से है कि पहले हम 5 नंबर लिखेंगे, ठीक है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं B1, 2, 3, 4, 5 में हमने 5 नंबर लिख दिए, ठीक है, ये हमने 5 नंबर लिख दिए। अच्छा, अब ये नंबर लिखने के बाद हम B7 के अंदर इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं। तो इसकी एवरेज निकालने के लिए आसान तरीका कार ये है कि हम इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, फिर ब्रैकेट्स के अंदर B1:B5, यानी कि B1 से लेकर B5 तक की एवरेज फाइंड कर दो, या फिर हम ऊपर से फार्मूला टैब में जाकर तो वहाँ से भी एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल जो होम टैब होता है उसमें सिग्मा का साइन बना होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, सिग्मा के साइन के साथ एरो होता है, उसको क्लिक करके वहाँ से भी एवरेज का फंक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, अपनी वैल्यूज डालेंगे, जैसे B1 से लेकर B5 तक। और ये करने से क्या होगा कि हमें हम एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये फार्मूला लिख के हम एंटर दबाएंगे, उससे क्या होगा कि B7 के अंदर ये जो 5 नंबर लिखे हुए हैं इसकी एवरेज निकलेगी, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, डू यू नो द हैट ऑपरेटर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पावर टू इंडिकेट टू व्हाट पावर द बेस नंबर इज टू बी रेज्ड सच एज इन 5 हैट 2। यानी कि जो पावर हम लोग आम तौर पे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, कहीं भी जैसे एक्स केयर लिखते हैं, वो चीज़ अगर हमें लिखनी हो तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हैट का साइन इस्तेमाल करेंगे, और 5 का स्केयर अगर लिखना है तो उसको हम फिर 5 हैट 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। अच्छा, पावर फंक्शन का काम किसी भी चीज़ की पावर फाइंड पावर के साथ उसको कैलकुलेट करना है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको 5 का स्केयर अगर स्केयर फाइंड करना है तो उसके लिए हम पावर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है उसमें हम पावर किसी चीज़ की इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम सबसे पहले इक्वल लिखते हैं, इक्वल लिखने के बाद हम पावर लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर पहले नंबर लिखेंगे जिसकी पावर फाइंड करनी है, और कॉमा डाल कर फिर हम पावर लिखेंगे कि उसकी पावर में क्या लिखा हुआ, ठीक है, पावर में क्या लिखना है। जैसे 5 स्केयर अगर लिखना है तो नंबर वाली जगह पे 5 लिखेंगे कॉमा, फिर पावर वाली जगह पे 2 लिखेंगे, इससे क्या होगा 5 का स्केयर फाइंड हो जाएगा।
नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।